अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिच्छू है, ना कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कल लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। भारत को सोने की चिड़िया जानकर इसे न केवल तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा, बल्कि इसके कुछ हिस्सों को लूटने का जघन्य अपराध पुर्तगालियों ने भी किया। भारत के जिस हिस्से में पुर्तगालियों का सबसे अधिक प्रभाव रहा वो था गोवा। यह तो आप जानते ही होंगे कि साल 1947 में भारत के आज़ादी के बाद गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा, और जब भारत ने उन्हें गोवा छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में भारतीय फौज ने गोवा पर आक्रमण कर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद करवाया। गौरतलब है कि यह ऐसा भी नहीं था कि वहां के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि सच तो यह है कि उनकी कहानियां आम लोगों तक नहीं पहुंच पाईं। साल 1983 में भले ही एक काल्पनिक कहानी को लेकर, पर गोवा के गुमनाम क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था पुकार। रोज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था रमेश बहल ने। कहानी व पटकथा लिखी थी जी आर कामत ने तथा संवाद लिखे थे मदन जोशी ने। तकरीबन 2 घंटे 42 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 18 नवंबर 1983 को, तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, रणधीर कपूर, जीनत अमान, टीना मुनीम, प्रेम चोपड़ा, सुधीर दलवी, श्रीराम लागू, पी जयराज, ओम शिवपुरी, पिंचू कपूर, सुजीत कुमार, सत्येन कप्पू, विजू खोटे, नरेंद्र नाथ, शरद सक्सेना आदि। फिल्म पुकार अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने तथा धुन तैयार किया था आरडी बर्मन ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे समंदर में नहा के तू मैके मत जइयो, जाने जिगर दुनिया में तू मेरे लिए, बच के रहना रे बाबा और मारेंगे या मर जाएंगे। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, आरडी बर्मन और अमिताभ बच्चन ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 12 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म पुकार साल 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 15वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 1,80,00,000 रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3,20,00,000 रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को औसत घोषित किया गया था। अब आप कहेंगे कि बजट के लगभग दोगुनी कमाई करने के बाद भी यह फिल्म औसत क्यों रही? दरअसल अमिताभ बच्चन की फिल्में जब तक अपने बजट के 4-5 गुना न कमा लें तब तक उन्हें हिट नहीं कहा जाता था, क्योंकि इन फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस काफी हाई होता था। बहरहाल इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुली जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे स्थान पर रही फिल्म बेताब जिसने 6,75,00,000 रुपए कमाए, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हीरो जिसने 6,25,00,000 रुपए का कारोबार किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर घोषित की गई थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के निर्देशक रमेश बहल ने साल 1979 में इस फिल्म को बनाने की शुरुआत अपनी पहली फिल्म कस्मे वादे के रिलीज के ठीक बाद शुरू की थी। याद रहे कि साल 1978 में आई फिल्म कस्मे वादे के भी लीड रोल में अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर ही थे। खैर कस्मे वादे के अगले साल बननी शुरू हुई इस फिल्म को बनने में 5 साल लग गए, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन अपने अन्य कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे। बताता चलूं कि पुकार के बनने में जब देर होनी शुरू हुई तो रमेश बहल ने अपनी अन्य फिल्मों मसलन बसेरा, हरजाई, ये वादा रहा आदि पर काम करना शुरू किया, और ये सभी फिल्में बनकर रिलीज भी हो गईं। इसके बाद उन्होंने एक अन्य फिल्म जवानी पर भी काम करना शुरू कर दिया था, जो कि साल 1984 में जाकर रिलीज हुई। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और रमेश बहल ने अपने बेटों क्रमशः अभिषेक बच्चन और गोल्डी बहल को सेट पर आने से बैन कर दिया था, क्योंकि दोनों अक्सर सेट पर आकर जमकर शैतानियां किया करते, जिससे कई बार शूटिंग भी बाधित हो जाती थी। फैक्ट नंबर 4, अभिषेक और गोल्डी की ही तरह रणधीर कपूर की छोटी बेटी करीना कपूर भी फिल्म के सेट पर जाया करती थी, लेकिन इनका व्यवहार उनसे बिल्कुल विपरीत रहा। एक दिन जब करीना सेट पर पहुंची तो देखा कि अमिताभ बच्चन रणधीर कपूर को पीट रहे हैं। यह देखकर करीना को लगा कि उनके पिता को अमिताभ सचमुच में ही पीट रहे हैं। मासूम करीना ने आओ देखा ना ताओ और दौड़कर रणधीर कपूर से जा लिपटी और रोने लगी।
फैक्ट नंबर 5, अगर आपने इस फिल्म के गानों पर गौर किया हो तो यह अवश्य नोटिस किया होगा कि उसमें अमिताभ बच्चन के लिए आरडी बर्मन और रणधीर कपूर के लिए किशोर कुमार ने पार्श्व गायन किया था, जबकि उन दिनों अमिताभ बच्चन के तकरीबन हर गाने किशोर कुमार ही गाया करते थे। दरअसल ऐसा होने के पीछे का कारण कुछ यूं था कि उन दिनों किशोर कुमार ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उन्होंने अमिताभ को एक मेहमान भूमिका करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन किसी कारणवश अमिताभ वो भूमिका नहीं कर सके और इसके परिणाम स्वरूप किशोर दा उनसे नाराज हो गए तथा अमिताभ को आवाज न देने का मन बना लिया। हालांकि आगे चलकर किशोर दा मान गए और शहंशाह तथा तूफान जैसी फिल्मों में अमिताभ को अपनी आवाज दी थी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के गीत समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई है के बनने का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन आरडी बर्मन, ऋषि कपूर, राकेश रोशन, गुलशन बावरा, रणधीर कपूर, रमेश बहल और जीनत अमान पार्टी कर रहे थे। तभी जीनत फिसलकर पानी में जा गिरी और उन्हें उठाने के लिए रणधीर कपूर और रमेश बहल उनके पास गए। इधर जब गुलशन बावरा ने जीनत को पानी से निकलते हुए देखा तो बरबस से उनके मुंह से निकल पड़ा कि समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, लगा है प्यार का वो रंग की रंगीन हो गई हो। पास ही बैठे आरडी बर्मन ने झट से इन पंक्तियों को एक धुन में पिरोया और गाने का मुखड़ा वहीं के वहीं तैयार हो गया। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म के अच्छा कमाई न कर पाने के पीछे कुली फिल्म का भी बहुत बड़ा हाथ रहा था, क्योंकि इसके रिलीज के कुछ ही दिनों बाद कुली को रिलीज किया गया। कुली जिसकी शूटिंग के दौरान लगी चोट ने अमिताभ को घर घर में चर्चा का विषय बना दिया था। ऐसे में हर व्यक्ति एक बार थिएटर में जाकर उस फिल्म को अवश्य देखना चाहता था। परिणाम स्वरूप जब कुली फिल्म आई तो लोगों का इंटरेस्ट अमिताभ की अन्य फिल्मों में कम हो गया और मजबूरन थिएटर मालिकों ने इन फिल्मों को उतारकर कुली को ही दिखाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 8, कहा जाता है कि कुली की ही तरह इस फिल्म के भी अंत में अमिताभ को मरते हुए दिखाया जाना तय हुआ था, लेकिन जब कुली एक्सीडेंट के बाद उस फिल्म का क्लाइमेक्स बदला गया तो रमेश बहल ने भी बुद्धिमानी दिखाते हुए अपनी फिल्म का क्लाइमेक्स बदल डाला। हालांकि इससे अमिताभ के फैंस की भावनाओं का सम्मान तो रह गया, लेकिन फिल्म को कोई खास फायदा नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणधीर कपूर के साथ उनका तकरीबन हर स्टाफ जाता था, यद्यपि सेट पर उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती थी। दरअसल ये सभी स्टाफ अमिताभ बच्चन के फैन थे और शूटिंग में जाने से इन्हें अमिताभ को देखने और उनसे मिलने का मौका मिल जाता था। फैक्ट नंबर 10, यह वो आखिरी फिल्म रही जिसमें जीनत अमान ने अमिताभ के साथ उनके एंग्री यंग मैन के दिनों में काम किया था। इसके बाद दोनों तकरीबन 20 वर्षों बाद जाकर साल 2003 की फिल्म बूम में एक साथ नजर आए थे। फैक्ट नंबर 11, जीनत अमान की ही तरह रणधीर कपूर की भी अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरो आखिरी फिल्म रही, और यहाँ संयोग देखिए कि इन्होंने भी तकरीबन 20 साल बाद ही जाकर अमिताभ के साथ दोबारा काम किया। फिल्म थी साल 2003 की अरमान। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म के लिए टीना मुनीम को लेट 70s में ही जब साइन किया गया उस वक्त वो बिल्कुल न्यू कमर थी और उन्हें लग रहा था कि फिल्म में उनका रोल काफी बड़ा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। बताता चलूं कि इस रोल के लिए शुरू में पूनम ढिल्लन को अप्रोच किया गया था, लेकिन रोल की लंबाई के कारण ही उन्होंने इसे मना कर दिया था। तो ये थी अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर की लोकप्रिय फिल्म पुकार पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।